दीपावली का त्यौहार अब नजदीक आ गया है। इस त्यौहार से पहले पुष्य नक्षत्र पर खंडवा के बाजारों में उत्साहजनक भीड़ नजर आ रही है। इससे व्यापारी गदगद हैं। शनिवार और रविवार को पुष्य नक्षत्र का महायोग होने के कारण बाजार में दो दिन तक खरीदारी जमकर हुई। खंडवा शहर के सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और बर्तन बाजारों में शनि पुष्य नक्षत्र पर बाजार खुलने के साथ ही शहर के आसपास के ग्रामीण अंचल से भी बड़ी संख्या में लोग दीपावली त्यौहार की खरीदारी करने के लिए पहुंचे और देर रात तक वहां मौजूद रहे। बाजार में दुकानों, प्रतिष्ठानों और शोरूम को व्यापारियों ने आकर्षक ढंग से बिजली की रोशनी में सजाया है। बाजार में सजावट को लेकर भी प्रतिस्पर्धा देखने में आ रही है। रवि पुष्य नक्षत्र के महायोग होने के कारण दिन भर बाजार खरीदारों से गुलजार रहे। खंडवा ब्यूरो से प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। रिजवान भाई, दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर जो अभी खरीदारी का माहौल दिख रहा है, आप बताएं आपका क्या महसूस कर रहे हैं अभी? अभी लॉकडाउन के बाद में, कोविड के बाद में 2 महीने 2.5 महीने तो काफ़ी स्लो रहा। अभी दशहरे के बाद से, नवरात्रि से थोड़ा सा उठाव आया। अभी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी उम्मीद है अच्छा ही चलेगा, शादी ब्याह के सीजन के हिसाब से। दीपावली के सीजन में शादी ब्याह का जो सीजन चालू होता है देवउठनी एकादशी से, तो क्या उसको लेकर भी अभी खरीदारी अभी से शुरू कर दी गई है? हाँ, अभी दीपावली के साथ साथ जो ग्यारस के बाद की जो मुहूर्त की शादियों का है उसकी ग्राहकी भी अब चालू हो गई है और उसका उठाव और ज़्यादा है। मतलब दीपावली के हिसाब से तो क्या करवा चौथ पे दीपावली की सारी खरीदी हो जाती है, बट अभी जो चल रहा है वो ग्यारस के हिसाब से शादी ब्याह का सीजन का चल रहा है। इसमें शहरी ग्राहकी कितनी है और ग्रामीण अंचल से जो ग्राहकी होती है वो कितनी मानते हैं आप? ग्रामीण की लगभग 80% है और शहरी ग्राहकी 20% है। अभी ग्रामीण ग्राहकी ज़्यादा है अभी तो। ग्रामीण ग्राहकी में देखा जा रहा है कि वो आने वाले जो सावों का जो दौर शुरू होने वाला है नवंबर और दिसंबर में, क्या उसकी ग्राहकी आप ज़्यादा मानते हैं? हाँ, नवंबर दिसंबर की ग्राहकी ज़्यादा है अभी, शादी ब्याह की जो है ना वो ज़्यादा है। नवंबर दिसंबर का हिसाब से जो शादियां हैं उनकी ग्राहकी अभी से स्टार्ट हो चुकी है। जैसे किसान मंडी में अपनी उपज बेच रहा है, ऊपर उपज बेचने के बाद में वो सीधा मार्केट में ख़रीदारी करने आता है, तो और वो जब ख़रीदारी करता है तो वो आगे शादी ब्याह की प्लानिंग भी करके आता है बाज़ार में, क्या आप इसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही है। अभी अपनी फसलें और अपनी उपज बेच के वो सीधे ग्राहक अभी जो है कपड़ा और अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो शादी में लगती है, अपने सुनार के हैं, कपड़ा है, और ख़ास तौर से जो है कपड़े का काम तो पहले ही निपटा लेता है कस्टमर, मतलब गांव ग्रामीण ग्राहक। मद्दा मद्दा व्यापार रहा, मतलब छुटपुट व्यापार चला है, कोई जैसे बड़ा सामान नहीं बिका है जैसे कि कोई ज़्यादा पेमेंट की आवक हो। ग्राहक आ रहे हैं, छुटपुट सामान ले रहे हैं, उस टाइप से। दीपावली के त्यौहार के साथ में शादी ब्याह की खरीदारी भी मतलब लोग करते हैं, उसको लेके कैसा माहौल है अभी? शादी ब्याह की ग्राहकी तो समझ लो आप 11 खोपड़ी होगी, उसके बाद उसका ने चलन चलेगा। जब तक ने अभी आपको ये दिवाली की जो सिक्के वगैरह होता है, एक लक्ष्मी जी की मूर्ति है, इस टाइप की ने छोटी मोटी ग्राहकी होती है दिवाली पे, बराबर होती है, धनतेरस चलता है उसमें। बाकी आप समझ लो शादी ब्याह का तो 11 खोपड़ी के बाद ही चालू होगा। धनतेरस पे ज़्यादातर देखने में आता है कि चांदी के सिक्के और मूर्तियाँ जो हैं वो ज़्यादा बिकती हैं। कोई जैसे मूर्ति ले रहा है, गणेश जी की मूर्ति, कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहा है, कोई सिक्का ले रहा है, सब पूजा करने के लिए शुभ मानते हैं। आप समझ लो बर्तन भी खरीदते हैं लोगों ने, कपड़ा भी खरीदते हैं, धनतेरस को एकदम शुभ मान के कुछ ना कुछ एक खरीदी ज़रूर करते हैं वो, मतलब उनके कहने पैसे हो नहीं हो कैसे भी ला के कर लेते हैं उस दिन शुभ मानते हो जी। पिछले कई सालों से ये ट्रेंड देखने में आया कि दीपावली पर धनतेरस और दीपावली को लेके सराफा बाज़ार में जैसे जो धनतेरस की खरीदी होती है, इसमें कई नई ट्रेंड देखने में आते हैं, कई नई चीज़ें आ जाती हैं जो ग्राहकों को लुभाने के लिए रहती है। जैसे कई बार पिछली बार देखा था 500 और 1000 रुपये के नोट चांदी के जो निकले थे, इस बार कुछ नया आया है क्या इसमें? नहीं, इस बार कोई ऐसा कुछ नया नहीं है, जैसे गोल वाले सिक्के चलते हैं वैसे ही गोल हैं, चौरस टाइप के चलते हैं, वही है।
नयापन उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब जो है पुराना जो चले आ रहा है वही आगे बढ़ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।